गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग जॉर्ज टेलीग्राफ श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर के तरफ से तुम लोगों का जो रिक्वेस्ट में जो लॉकडाउन के लिए जो ऑनलाइन क्लास ले रहे तो उसी के बारे में हम जो लॉकडाउन क्लास ले रहे हम लोग उसमें उम्मीद रखो ना तुम भी ये ऑनलाइन क्लास में हर रोज़ हिस्सा ले रहे हो तो तुमको तो अभी तक पता चल ही गया है कि हम लोग लॉकडाउन के शुरू से ही हम बहुत सारी क्लास ले ली है। तो और सेंटर में तुम लोग जो सीपीए अप्रैल में 2020 का जो बैच हो अभी तक जो जितना सेंटर में हुए थे उसके बाद हम ये क्लास ले रहे हैं। तो हम जो पिछले जो क्लास में कुछ क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे जो कैशबुक के बारे में, तो ये कैशबुक में हम अगर एंट्री करेंगे हर दिन जो ट्रांजेक्शन होने के बाद और लेन देन होने के बाद जो एंट्री हम करेंगे तो किस डॉक्यूमेंट के आधार पे हम किस डॉक्यूमेंट से को हेल्प लेके हम ये कैशबुक मेंटेन करेंगे और कैशबुक में एंट्री करेंगे। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड, कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है एंड कुछ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स है। तो इंटरनल डॉक्यूमेंट में क्या 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 है? इंटरनल डॉक्यूमेंट में है कैश वाउचर। इसमें दोनों दो टाइप का कैश वाउचर होता है, कैश रिसीव वाउचर एंड कैश पेमेंट वाउचर। तो ये है इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। ये कंपनी में है अगर किसी तरफ जो कैश लेते हैं तो ये कैश रिसीव वाउचर को इशू करके वो कैश लेते हैं। और कैश पेमेंट वाउचर वो क्या है, अगर कंपनी इस विषय में कुछ कारण में कुछ एक्सपेंसेस किया हो तो तब जाके कैश पेमेंट वाउचर को इशू करके उसको रुपया दे देते हैं। ठीक है, ये कैश वाउचर है, ये है इंटरनल वाउचर। और दो टाइप का इंटरनल वाउचर है, नंबर वन डेबिट वाउचर एंड नंबर टू क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर का मतलब है अगर कंपनी में कोई एक्सपेंसेस हो तब जाके ये डेबिट वाउचर इशू करके ये रुपया उसको दिया जाता है किसी को, उसका नाम पे किसी को रुपया दिया जाता है। और क्रेडिट वाउचर क्या है? क्रेडिट वाउचर है अगर कंपनी में कुछ एम्प्लॉई है वो अगर कंपनी से लोन लेना चाहे तो उस लोन को उस एम्प्लॉई को देने के बाद वो क्रेडिट वाउचर उसको लिखा लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। तो ये नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, ये टोटली कंपनी का किसी कंपनी में इंटरनल वाउचर प्रोसेस है। लेकिन और इससे छोड़ के कुछ और एक्सटर्नल वाउचर है, एक्सटर्नल वाउचर है वो कंपनी के बाहर से आते, जैसे कंपनी कुछ माल खरीदने के लिए कुछ दुकान और शॉप में जाते हैं तब जाके उसको क्या मिलता है, कैश देने के बाद वो माल खरीदने के बाद माल लेने के बाद माल का जब रुपया और पैसा देने के बाद उसको मिलता है कैश मेमो और मनी रिसीप्ट। ठीक है, कैश मेमो और मनी रिसीप्ट, इसको इस डॉक्यूमेंट के आधार पे वो कैशबुक में वो एंट्री करना पड़ता है। नेक्स्ट, ये जो ये टोटली एक्सटर्नल वाउचर है। और एक वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल वाउचर है, वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, ये बैंक से जुड़ा हुआ है। तो हमारा कंपनी किसी बैंक में अगर सेविंग्स और करंट अकाउंट खोल लेते तो वो उसमें जो ट्रांजेक्शन और लेन देन होते हैं उसमें कितना बैलेंस रहते हैं उसको लिए बैंक से हम एक स्टेटमेंट मंगवाते हैं। वो स्टेटमेंट है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसको शॉर्ट में BRS कहा जाता है। तो उस BRS में क्या मिलता है हमको, अगर हमारा कोई सप्लायर को बैंक डायरेक्टली एज पर आवर इंस्ट्रक्शन अगर पेमेंट कर दिया हो तब जाके उसमें हमको उस अमाउंट को हम मिल जाते हैं, उस एक्सपेंस को हम मिल जाते हैं हमको। और अगर सेम एज आवर कस्टमर अगर डायरेक्टली आवर बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर देते तो बैंक उसको रिसीव करके हमारा अकाउंट में क्रेडिट कर देते, तो ये हिसाब भी हमको कैशबुक के एंट्री करने के लिए मिल जाते। और एक बात है, हम अगर बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो हमारा ऑन बिहाफ ऑफ आस यू हैव टू पे आवर ऑल एक्सपेंसेस लाइक टेलीफोन बिल,
लाइक टैक्स टैक्स रिलेटेड और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा और इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बैंक हमारा लिए वो पेमेंट कर देते हैं, तब जाके हमारा अकाउंट में वो डेबिट कर देते हैं। और रिसिप्ट भी ऐसे ही होता है जे अगर कोई इंटरेस्ट हम किसी इन्वेस्टमेंट किया है किसी कंपनी से, उस कंपनी से इन्वेस्टमेंट कलेक्शन के बाद वो हमको हमारा अकाउंट में क्रेडिट करते। तो ये है कैशबुक रिलेटेड जे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और वाउचर।